ये है एशियन डिजिटल नेटवर्क और आप देख रहे हैं अंबर टाइम्स। कोरोना कहर की तीसरी लहर तेजी से आने को बेताब हो रही है, जरा सावधान। घर से बिना मास्क लगाए मत निकलिए, मुश्किल में फंस जाएंगे। दरअसल बिना मास्क पहने घर से निकलने वाले लापरवाह लोगों की पड़ताल करने कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम, पुलिस कप्तान गौरव तिवारी, SDM अभिषेक गहलोत, तहसीलदार गोपाल सोनी अमले के साथ निकल पड़े हैं। प्रशासन के ये आला अधिकारी अपने वाहन में नहीं, नगर सेवा में चल रहे मैजिक वाहन में बैठकर घूम रहे हैं। बिना मास्क पकड़े जाने पर सिर्फ चालानी कार्यवाही ही नहीं, अस्थायी जेल भी भुगतनी पड़ेगी। साहब लोगों के साथ पुलिस का बंदी वाहन भी चल रहा है। लापरवाह लोगों के कारण ही शहर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या हर दिन तेजी से बढ़ती जा रही है। प्रशासन के दबिश में 40 से अधिक बिना मास्क घूम रहे लोगों को पकड़कर अस्थायी जेल ले गए। लेकिन जब सारी आर्थिक गतिविधियां चल रही हैं, उसके बाद लोगों की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है, और उसमें दो तीन ऑप्शन है कि आप 100% वैक्सीनेटेड हो, मास्क प्रॉपर लगा रहे और अनावश्यक भीड़ ना हो। वैक्सीन हमारे यहाँ पर्याप्त हो गया है, 100% के आसपास हम लोग हैं। मास्क में लोग बहुत लापरवाही बरत रहे हैं, और इस बार चूँकि सिम्टम्स नहीं है इसलिए लोगों को डर भी नहीं है। कल ही एक ऐसा केस आया जिसमें एक कंटेनमेंट जोन में एक व्यक्ति था और वो अपने घर अपने दोस्तों के साथ पार्टी मना रहा था, जिस पे FIR दर्ज हुई है। आज जिन दुकानों ने सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का रूल फॉलो नहीं किया है, उन सब पे FIR होगी। 15 से 20 दुकानों पर आज FIR 188 के तहत की जाएगी। और हम लोग आम आदमी की तरह घूमने का मकसद ये था कि आमतौर पर जब गाड़ियों में निकलते थे लोग देख के मास्क लगा लेते थे और फिर उसको फॉलो नहीं करते थे। इस तरह की कार्रवाइयाँ चलती रहेगी। हमारा उद्देश्य शहर को सुरक्षित करना है और लोगों में ये मैसेज देना है कि बहुत ही छोटी चीज़ है, एक व्यक्ति के रूप में देखें कि आपको मास्क लगाना, तो इसके लिए कोई परिश्रम या कोई धन की आवश्यकता नहीं है। एक नागरिक होने के नाते इतना तो करना ही होगा, और इसीलिए ये कार्रवाई और आगे भी चलती रहेगी जिससे कि शहर सुरक्षित रहे। एक साल पहले पत्नी के साथ दुष्कर्म करने और शिकायत करने पर धमकाने वाले 3 आरोपियों की हत्या करने के लिए पति ने खूनी साजिश रची। जिलेटिन रॉड डिटोनेटर का इस्तेमाल करके ट्यूबवेल के स्टार्टर से जोड़ा। एक व्यक्ति घायल हुआ लेकिन जिंदा बच गया। 6 महीने बाद और अधिक विस्फोटक के साथ दूसरे को निशाना बनाया और इस बार जान लेने में सफल भी हो गया। तीसरे को शिकार बनाने से पहले पुलिस के हत्थे चढ़ गया। ये खुलासा ग्राम रत्तागढ़ खेड़ा में 4 जनवरी को किसान लाल सिंह की हत्या के मामले में SP गौरव तिवारी ने किया। उन्होंने बताया कि आरोपी सुरेश लोढ़ा ने हत्या का बदला लेने के लिए मृतक लाल सिंह, पूर्व सरपंच भवर लाल और अन्य आरोपी दिनेश से उनकी पत्नी के साथ 1 साल पूर्व अपने खेत पर सामूहिक दुष्कर्म किया था। पत्नी उनके खेत पर मजदूरी करती थी, शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी भी दी थी। इसके बाद पति ने तीनों को मारने की कसम खाई, साजिश रची। इसके तहत 4 जनवरी रात 3 बजे लाल सिंह के खेत पर पहुंचा, पेचकस और कुदाली से मिट्टी खोदी और 14 रॉड और डेटोनेटर ट्यूबवेल के स्टार्टर से जोड़े। इसके बाद सुबह जैसे ही लाल सिंह ने स्टार्टर का बटन दबाया, उसके शरीर के चीथड़े उड़ गए। पुलिस कप्तान गौरव तिवारी ने बताया, में ही बॉडी पड़ी हुई है जहां पर ऐसा प्रतीत हो रहा है किसी विस्फोटक सामग्री के ब्लास्ट होने से उसकी मृत्यु हुई है। घटना की गंभीरता को देखते हुए हम सभी घटनास्थल पर गए, जहाँ पर FSL की टीम, BDDS, साइबर सबको ले जाया गया। BDDS टीम ने मौका मुआयना करके ये तथ्य बताया कि इसमें जिलेटिन रॉड और डेटोनेटर को यूज करके इसको ब्लास्ट किया गया है। पोस्टमार्टम में भी इस बात की पुष्टि हुई और घटनास्थल के मौका मुआयना से इस बात स्पष्ट हो गया कि इसमें जो ब्लास्ट करने की नीयत है वो हत्या करना ही इसकी नीयत है। इस कारण से इसमें धारा 302 के अंतर्गत अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला पंजीबद्ध किया गया था। इसमें ग्रामीणों से चर्चा करते ये तथ्य सामने आया, करीब 6 माह पूर्व भी एक सिमिलर घटना ब्लास्ट की हुई थी, जिसमें गांव का ही एक जो पूर्व सरपंच है भंवर लाल, उसके खेत पर भी लगाया गया था। हालांकि उसमें कोई किसी की मृत्यु नहीं हुई थी, लेकिन उस तो घटना लगभग 6 माह पूर्व भी हो चुकी थी। इस तरह की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए इसमें एक SIT गठन किया गया था। 16 सदस्यीय SIT थे, जिसमें एडिशनल SP ग्रामीण सुनील पाटीदार साहब, SDOP और थाना प्रभारी सभी लोग थे। इसमें इन लोगों ने काफ़ी मेहनत से कार्य किया और अज्ञात आरोपी की जानकारी देने वालों के खिलाफ 10,000 का इनाम घोषित किया गया था। उसमें ग्रामीणों से चर्चा करते साइबर की मदद लेते ये तथ्य सामने आया कि गांव का एक व्यक्ति जो सुरेश लोढ़ा करके है, रत्तागढ़ खेड़ा का ही है, वो घटना दिनांक से ही अपनी पत्नी के साथ लापता है, उसके घर में ताला लगा हुआ है। जब इसकी तस्दीक की गई तो ये तथ्य सामने आया कि सुरेश लोढ़ा सांवरिया जी दर्शन करने का कह के यहाँ से गया हुआ है। उसकी लोकेशन आदि निकालते पता चला कि वो मोबाइल स्विच ऑफ है। इससे हम लोग की शंका को और गंभीर हुई। फिर इनकी तलाश की गई तो इनको मंदसौर से राउंडअप किया गया, जहां इससे पूछताछ किया गया तो इसने घटना को कबूल करना बताया। घटना के पीछे का मोटिव बताया कि इसमें करीब 1 वर्ष पूर्व जो मृतक है लाल सिंह और पूर्व सरपंच भंवर लाल
और तीसरा व्यक्ति दिनेश करके रत्तागढ़ खेड़ा का ही है। इन लोगों ने इसकी पत्नी के साथ में सामूहिक दुष्कर्म किया था और बदले में धमकी दिया था कि अगर तुमने किसी को बताया तो तुम्हें जान से ख़त्म कर देंगे। इस बात को लेकर इन लोगों इसने डिसाइड किया था कि जब तक मैं इन तीनों का हत्या नहीं कर दूंगा तब तक शांत नहीं बैठूंगा। इसी तारतम्य में इसने सबसे पहले भंवर लाल जो पूर्व सरपंच है लगभग 6 माह पूर्व उसको टारगेट किया। हालांकि उस दिन ब्लास्ट हुआ लेकिन नीम का पेड़ बीच में आ जाने से उसकी जान बच गई। फिर दोबारा उसने लाल सिंह के लिए प्लान किया और इस बार उसने जिलेटिन रॉड और डेटोनेटर ज़्यादा मात्रा में यूज़ किए ताकि ज़्यादा गंभीर ब्लास्ट हो और उसमें लाल सिंह की मृत्यु हुई। तो इस उक्त तथ्यों के आधार पर पुलिस ने एक मामला और पंजीबद्ध किया है धारा 376D 342 जिसमें कि इन तीनों लोग भंवरलाल दिनेश और लाल सिंह को आरोपी बनाया गया है। इसमें इस बात की तस्दीक करते कि आखिर जिलेटिन रॉड डेटोनेटर इनके पास आया कहाँ से। ये तथ्य सामने आया कि रत्तागढ़ खेड़ा के पास में ही जो सिमलावदा गांव है वहाँ का बद्रीलाल पाटीदार है उसके यहाँ से इन लोगों ने जिलेटिन रॉड और डेटोनेटर खरीदे हैं। जब इनसे पूछताछ की गई बद्रीलाल से तो ये पता चला कि लगभग 1 वर्ष पूर्व तक इसके पास विस्फोटक सामग्री बेचने का लाइसेंस था जो 1 वर्ष पूर्व से एक्सपायर हो गया लेकिन उसके बावजूद भी ये विस्फोटक सामग्री बेच रहा है। उसके घर से भी चीज़ें जब्त की गई। बद्रीलाल के पास से 7 जिलेटिन रॉड और 10 डेटोनेटर जब्त किए गए हैं और सुरेश जो आरोपी है हत्या करने वाला उसके घर से भी 5 जिलेटिन रॉड और 5 डेटोनेटर जब्त किए गए हैं। इस तरह देखा जाए तो कुल 2 घटनाक्रम है जिसमें एक 302 के मामले में 2 आरोपी हैं वो दोनों ही राउंडअप किए जा चुके हैं। 376 के मामले में 3 आरोपी हैं जिसमें से एक की मृत्यु हो चुकी है और 2 अन्य आरोपी जो हैं उनको पुलिस ने राउंडअप कर लिया है। मिशन कंपाउंड में नजूल की बेशकीमती जमीन को लेन देन कर कब्जा देने का मामला प्रशासन के पास पहुंच गया। कुछ तत्वों द्वारा किए जा रहे इस कृत्य को लेकर ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में बताया गया कि शासन प्रशासन द्वारा दी गई जमीनों का कब्जा देकर निर्माण किए जाने लगा जो नियमों के विपरीत है। चर्च ऑफ इंडिया के जुडिशियल के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर अनिल सेंजियल ने बताया। क्या नाम सर आपका? मैं डॉक्टर अनिल सैमुअल हूँ, चर्च ऑफ इंडिया का स्टेट कोऑर्डिनेटर हूँ जुडिशरी के लिए। और चर्च की जो मिशनरीज की जो संपत्तियां हैं उन संपत्तियों को बचाने के लिए हम लोग लड़ाई लड़ते हैं और जहां कहीं भी बेजा कब्जा होता है या किसी भी प्रकार का इलीगल एनक्रोचमेंट होता है उन सारे गलत कार्यों को रोकने के लिए हम लोग मिलजुल करके इन लड़ाइयों को प्रशासन और शासन के माध्यम से निरंतर लड़ते आ रहे हैं। आज आपने ज्ञापन दिया है कलेक्टर नाम, तो क्या है पूरा, कहाँ का पूरा मामला है? सर ये रतलाम मिशन हॉस्पिटल कंपाउंड जो है, रतलाम मिशन हॉस्पिटल कंपाउंड मिशनरियों के द्वारा दिया गया एक बड़ा भारी कैंपस है जहाँ पर मिशन अस्पताल संचालित होता है, नर्सिंग स्कूल संचालित होते थे और भी कई दूसरे मिशन की संस्थाओं का संचालन उस कैंपस के माध्यम से होता था। इस कैंपस को कई लोगों के द्वारा जो चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया नामक संस्थान है जो कि एक गैर कानूनी संस्थान है, जो अपंजीकृत संस्थान है, इनके पदाधिकारियों के द्वारा जिनको किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं है वो मिलजुल करके एक दूसरे के साथ कोलाइजन करके मिलीभगत करके चर्च की बेशकीमती ज़मीनों को, मिशन अस्पताल की बेशकीमती ज़मीनों को थोड़े बहुत रुपयों का लेन देन करके और खुर्दबुर्द कर रहे हैं, कब्जे दे रहे हैं जो कि पूरी रीति से गैरकानूनी है और समाज को एक बड़ा भारी नुकसान इनके द्वारा पहुंचाया जा रहा है। शासन प्रशासन के द्वारा जो ज़मीनें दी गई हैं, जो नजूल की भूमि है, उस भूमि के ऊपर कई कब्जे इनके द्वारा दिए गए और अभी हमने कलेक्टर साहब को एक आवेदन दिया है, एक आवेदन हमने नगर निगम आयुक्त को दिया है और हम यही मांग कर रहे हैं उनसे कि ये जो इस प्रकार की गैर कानूनी गतिविधियां हो रही हैं इन गतिविधियों को रोका जाए और इनके द्वारा दिए गए गैर कानूनी कब्जों को जिसके ऊपर लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए निर्माण कर रहे हैं उन निर्माणों को रोका जाए। आजादी का अमृत महोत्सव लकोनिक वीक ऑफ हेल्थ मिनिस्ट्री के तहत भारत के संपूर्ण राज्य के संपूर्ण जिलों में राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत टीबी जैसी गंभीर बीमारी के बारे में जागरूक करने हेतु नुक्कड़ नाटक कार्यक्रम का आयोजन शहर के चौराहे और सरकारी अस्पताल में किया गया। नुक्कड़ नाटक कार्यक्रम का आयोजन जिला क्षय अधिकारी डॉक्टर योगेश निखरा और जिला कार्यक्रम समन्वयक जय सिंह सिसोदिया जी के दिशा निर्देश में किया गया। कार्यक्रम में नाटक की प्रस्तुति छात्रों के द्वारा दी गई। नाटक में हर्षिता राठौड़, आशीष बरुआ, देवेंद्र सिंह तोमर आदि टीवी विभाग के सदस्य शामिल रहे।
ये है ACN डिजिटल नेटवर्क और आप देख रहे हैं अंबर टाइम।